इलाही बर्थ जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसके बाप ने उसकी माँ से कहा, देखा ऐसे होते हैं सादतमंद बेटे। इलाही बर्थ ने हैरत से बाप को और देखा और फिर माँ को कि शायद उस पर तंज कर रहे हैं, लेकिन उनके होंठों पर खैर मकदमी मुस्कुराहट के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर पीर बर्थ ने बढ़कर मोहब्बत से उसे लिपटा लिया। उसके बाद माँ ने उसे फिर से छोटा सा बच्चा बना दिया। सकून से बैठे तो उससे पूछा, आप मेरी कौन सी सादतमंदी की बात कर रहे थे, मैंने ऐसा क्या किया? मैंने 4 दिन पहले खत डाला, तू 5वें दिन आ गया, खत पहुंचते ही चल पड़ा होगा। इलाही बर्श मुस्कुरा कर खामोश हो गया। खत तो उस तक पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले ही हुक्म हो गया था। पहले 3 दिन तो मालूमात अप टू डेट होने में निकल गए कि किसके यहाँ बच्चा हुआ, कौन फौत हुआ, कौन बाहर चला गया, किसकी शादी हुई, किसकी तलाक हुई, फिर जो फौत हुए उनके यहाँ दुआ के लिए जाना था। 1 हफ्ते के बाद उसे सुकून से बैठने का मौका मिला। अचानक उसे ख्याल आया तो उसने बाप से पूछा कि आपने खत लिखकर मुझे क्यों बुलाया था? खत में वजह भी लिख दी थी, खत तो मुझे मिला ही नहीं था अब्बा। माँ उसके पास आ बैठी। बेटे तेरी शादी का इरादा किया है, तेरी क्या मर्जी है बख्शू? मेरी मर्जी अब्बा, जो तुम्हारा जी चाहे करो, पर अब्बा पैसे की ज़रूरत भी होगी। वो तो होगी, पर तू फिक्र ना कर, सब हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ अब्बा कि मेरे पास 10-12 हज़ार रुपये हैं। इलाही बस ने संदूक से रकम निकाल कर बाप के दामन में डाल दी। इतने पैसे, बूढ़े पीर बख्श की आंखें फैल गईं। अच्छी नौकरी थी अब्बा और खर्चा कोई नहीं था। तू शादी की फिक्र ना कर, आगे की सोच, कुछ कर ले इस रकम से, नौकरी के आज़ार से बच। शादी के बाद सोचूंगा अब्बा, तुम ये पैसे अपने पास रखो, ज़रूरत पड़े तो खर्च कर लेना, आगे अल्लाह मालिक है। घर आके इलाही बख्श बहुत खुश था। सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसकी रातें खूबसूरत हो गई थी। सादी हर रात उसके पास आ जाती। सादी की वो आखिरी हरकत, उसका हर नक्श, हर आवाज़ उसके जहन से महव हो चुकी थी। इलाही बख्श के नज़दीक वो इश्क की आजमाइश थी जिसमें रब ने उसे सुरखरू किया था। 10 दिन के बाद डाकिये ने उसे ख़त ला कर दिया। लिफाफे पर सादी की तहरीर देखकर उसका दिल बेहाल हो गया। उसने जल्दी से लिफाफा चाक किया, अंदर एक और लिफाफा था, वो अब्बा का भेजा हुआ ख़त था, साथ ही एक छोटा सा रुक्का भी था। उसने बेताबी से उसे पढ़ा। रुक्का अलकाब व आदाब से महरूम था। तुम्हारे जाने के बाद अगले रोज़ ये ख़त आया, पीछे तुम्हारे गांव का पता लिखा था। अम्मी कह रही थी कि वापस कर दो, ये तुम्हें मिल जाएगा, मगर मुझे एतबार नहीं था, और क्या पता ख़त अहम हो, इसीलिए मैं इसे रजिस्टर कर रही हूँ। उम्मीद है कि अब तुम तक ज़रूर पहुँच जाएगा। तुम्हारी सादी। नोट, माजरत किसी बात का नहीं कर रही, तुम मुझे माफ़ भी ना करना। इलाही बख्श ने अब्बा का ख़त खोला भी नहीं। सादी के मुख्तसर से रुके को उसने लिफाफे के अंदर रख कर उसे संदूक में रख दिया, जो उसे बहुत प्यारा हो गया। इसमें सादी की दी हुई खुशबू, सादी के दिलाए हुए पैंट शर्ट और जूतों के सिवा कुछ। हाजरा बीवी बनकर उसके घर में आई तो ज़िंदगी का एक और बाप शुरू हो गया। शादी के 8वें दिन अब्बा ने उसके दिए हुए पैसे उसके हाथ में रख दिए। ये ले बेटे, अब इससे तू कोई कारोबार कर ले। पर क्या करूं अब्बा, कुछ भी कर ले, ये रकम कम तो नहीं, बहुत अच्छा कारोबार कर सकता है तू। इलाही बस थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, अब्बा फ्रूट की दुकान डाल लूँ, जो मुनासिब समझ वो कर। इलाही बस ने मंडिया चौक पर जहाँ जिनाबाद को रोड जाता है दुकान ली और फ्रूट का काम शुरू कर दिया। काम उसने बड़े पैमाने पर शुरू किया था, वो हरिपुर, खानपुर, बल्कि रावलपिंडी तक से माल लाता था।
जिस पैमाने पर उसने काम शुरू किया था कोई और होता तो थोड़े ही अरसे में कहीं से कहीं पहुंच जाता, लेकिन वो इलाही बस था। लोग कहते थे कि ऐसा कारोबारी, ऐसा दुकानदार उन्होंने कहीं नहीं देखा। दुकान पर दो तरह का काम करता था, एक वो खुला फल बेचता, दूसरे और दुकानदार उससे फलों की पेटियाँ ले जाते। इस दूसरे काम में बचत कम थी, लेकिन उसकी दुकान सिर्फ उसी के जोर पर चलती रही, वरना वो खलाश हो जाता। हालांकि फल बेचने में ज़्यादा मुनाफा होता है, लेकिन आही बश का मिजाज, उसका तरीका कार ऐसा था कि उसमें मुनाफा हो ही नहीं सकता था। इलाही बस जब अपनी दुकान के लिए फलों की कोई पेटी खोलता तो अच्छे फल एक तरफ कर लेता। हर पेटी में ख़राब फल भी होते हैं, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। इलाही बस ख़राब फल कभी नहीं बेचता था। एक बार एक औरत फल खरीदने आई और आलू बुखारे के भाव ताव करने लगी, तो इलाही बस ने कहा कि बहन, मैं दाम कम नहीं करता, इससे कम कीमत पर कहीं मिले तो ले लो। आलू बुखारे खूब पके हुए और अच्छे खासे थे। औरत लिलचिलाई नज़रों से उन्हें देखती रही, फिर बोली कि सामने वाली दुकान से 12 आने सैर मिल रहे हैं, तो वहाँ से ले लो बहन, मैं रुपए कम नहीं दूंगा। और ये लोग काट कैसे दिए हैं? ये 10 आने सैर हैं। औरत ने देखा कि 2 साफ सुथरे पके हुए लोकाट थे, यकीनन चुन कर रखे गए थे। उसी लम्हे दूसरी तरफ से लोकाट का एक और टुकड़ा नजर आया, इसमें बहुत पके हुए और गलने की हद तक दागदार लोकाट थे। ये कैसे दे रहे हो? उसने पूछा। ये बेचने के लिए नहीं है बहन। वाह, ये क्या बात की तुमने, दुकान पर तो हर चीज़ बेचने के लिए होती है। जो चीज़ खुद मुझे अच्छी नहीं लगती वो मैं बेचता नहीं, जो खुद नहीं खा सकता दूसरों को नहीं खिलाता। औरत हंसने लगी। तो फिर ये मुझे मुफ्त दे दो। हाँ, मुफ्त दे सकता हूँ, मगर मुफ्त दूंगा तो अपनी मर्जी के आदमी को दूंगा, जिसे मेरा दिल चाहेगा। चलो, ये तो अच्छी बात है कि जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती वो नहीं बेचते, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से ये ख़रीदना चाहूँ तो फिर तो और बात है, लेकिन आपको देकर मुझे खुशी नहीं होगी। तो तुम ऐसे फलों का क्या करते हो? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फल खरीद नहीं सकते, ये फल मैं उन्हें दे देता हूँ, उनके बच्चे भी फल खा लेते हैं, फिर भी बच जाएं तो बकरियों, गायों, भैंसों के आगे डाल देता हूँ, यूँ वो ख़राब फल भी करामत हो जाते हैं। अच्छा, ये लोकाट मुझे क्या भाव दोगे? इलाही बस सोच में पड़ गया। सामने वाली दुकान पर लोकाट का क्या सेर है? उसने पूछा। 8 आने। इलाही बस ने औरत को बगौर देखा, वो मुतवस्सित तबके की मालूम होती थी। चलो, तुम्हें मैं अच्छे वाले लोकाट 8 आने सैर दे देता हूँ। गरीबों का काम ख़राब मत करो, लेकिन आइंदा मेरी दुकान पर आके ये पंचायत ना करना। ये था इलाही बस के कारोबार का स्टाइल। फिर वो बामुरव्वत भी था और मुतवाजो भी, उधार में भी उसका पैसा फंसा रहता था। दुकान पर कोई उससे मिलने आता तो वो फलों से उसकी तवाजो भी किया करता। अक्सर लोग फल खाने के इरादे से ही उससे मिलने आ जाते। ऐसे में मुनाफे का क्या सवाल था? बस दुकानदारों को जो माल देता था उसकी बरकत से घर का खर्च फराखत से चल रहा था। इलाही बख्श इसमें भी बहुत खुश था। इलाही बस ने हाजरा को भी हमेशा खुश रखा। अल्लाह ने औलाद के मामले में भी उसे खूब नवाजा। पहले उसके यहाँ मुसलसल 3 बेटे हुए, फिर बेटी पैदा हुई, वो उसकी बड़ी लाडली थी। इलाही बस बहुत ज़िम्मेदार और मोहब्बत करने वाला शौहर और बाप था। नमाज भी वो बाकायदगी से पढ़ता था, बस रात का एक पहर वो अपने लिए गुजारता था अपनी सादी के साथ। नींद उसकी बहुत कम हो गई थी, उसका असर उसकी सेहत पर भी पड़ रहा था, वो अपनी उम्र से बड़ा लगने लगा था। शादी के 5 साल बाद अम्मा उसका साथ छोड़ गईं, अब्बा उसके बच्चों में गुम हो गए। वो सबके हकूक अदा करते हुए भी अपने आप में गुम रहा। वो अकेला आदमी और मंडी भी जाना और दुकान भी चलाना, वक्त की जैसे किल्लत हो गई। उस रोज़ दुकान पर जाते हुए सहन में उसने अजीब मंजर देखा। मुबशर को अब्बा ने कंधे पर चढ़ाया हुआ था, मुदस्सिर और मुजम्मिल भी दादा पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे।
मुबशिर, मुदसर और मुजम्मिल, ये क्या कर रहे हो? उसने बच्चों को डांटा। और कुछ नहीं पुत्र, खेल रहे हैं मुझसे, पीरबख्श ने कहा। लेकिन अब्बा, तेरी माँ के बाद इन्हीं में तो मेरी जान अटकी है, पीरबख्श ने कहा। देख, अब तो मैं काम भी नहीं करता, पूरा वक्त इनके साथ गुजारता हूँ। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं अब्बा, मैं जो हूँ जानता हूँ पुत्र, पर अब दुकान पर आकर तेरा हाथ भी बटाया करूँगा मैं। उसकी ज़रूरत नहीं अब्बा, इलाही बख्श ने कहा। बस अब तुम पोतों को संभालो। पीरबख्श ने पोतों को बड़ी मोहब्बत से देखा और मुबशिर को सीने से बींच लिया। ये मुबशिर तो मेरी जान है, पता है तू छोटा सा था तो ऐसा ही था। इलाही बख्श बाप को मोहब्बत भरी नज़रों से देखता रहा, फिर बोला, चलता हूँ अब्बा, आज मंडी नहीं जाना था, इसीलिए इतना वक्त भी मिल गया। पीरबख्श ने पीछे से उसे पुकारा, आज मुबशिर की बिस्मिल्लाह करानी है। इलाही बख्श पलटा, अच्छा अब्बा, इतना बड़ा हो गया? उसके लहजे में हैरत थी, फिर उसने बहुत ही नरम मोहब्बत भरे लहजे में कहा, अब्बा आज इसे भी पहला और आखिरी सबक पढ़ा देना। वो घर से निकल गया। वक्त धीरे धीरे दबे पांव गुजरता रहा। कुछ चीज़ें इलाही बख्श कभी नहीं भूला। अपनी कुछ महरूमियों की उसने तलाफी करने की कोशिश की, बच्चों के ज़रिए, बच्चों के नाम रखने के मामले में भी उसने रिवायत से बगावत की। मुदस्सिर, मुजम्मिल और मुबशिर, शायद वो नाम हरूफ मीम से उसकी मोहब्बत का इजहार थे, और शायद बेटों के शहरी अंदाज के नाम उसने इसलिए भी रखे थे कि उनकी ज़िंदगी में कोई शादी आए तो कम से कम नाम की रुकावट मौजूद ना हो। दीनी तालीम तो खैर लाजमी थी, मगर उसने उन्हें अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल कराया। वो उनके लिए हमेशा नेकर और पैंट बड़े शौक़ से लाता, लेकिन मुबशिर के सिवा कोई इसकी तवक्कुआत पूरी नहीं कर सका। वो हाफिज़ कुरान तो सब हो गए, लेकिन मुबशिर के सिवा किसी ने पढ़कर नहीं दिया। इलाही बख्श को उसका गम भी नहीं मिला। खुशी अल्लाह ने उसे मुबशिर के जरिए दे दी थी, वो नाशुकरा नहीं था। मुदस्सिर और मुजम्मिल ने स्कूल छोड़े तो वो उन्हें दुकान पर ले गया, वो उसका हाथ बटाने लगे। इलाही बख्श का ख्याल था कि अब्बा ये सब कुछ नहीं समझ सकेगा, लेकिन वो गलती पर था। पीरबख्श की दानिश को समझकर भी वो नहीं समझ सका था। बच्चों के बाद मास्टर जी ही थे जो पीरबख्श के संगी थे। हाजरा की शादी और बीवी की मौत के बाद वो अकेले रह गए थे। बहुत इसरार के बावजूद उन्होंने बेटी के साथ रहना गवारा नहीं किया। हाँ, उसे देखने, बच्चों से मिलने वो आते रहते थे, उनके साथ वक्त गुजरने का मौका कम ही मिलता था। मास्टर जी ने महसूस किया कि पीरबख्श कुछ खोया खोया सा रहता है। एक दिन उन्होंने उससे पूछा कि कुछ परेशान हो पीरबख्श? नहीं मास्टर जी, अल्लाह का बड़ा करम है, इसने बहुत खुशियाँ दी हैं। तो फिर फिक्रमंद क्यों रहते हो? वो और बात है, पीरबख्श ने आह भर के कहा। बुढ़ापे में हिसाब की फिक्र तो सताती ही है। चंद लम्हे खामोशी रही। पीरबख्श ने खोए खोए लहजे में कहा, कभी ख्याल आता है कि मैंने बेटी के साथ ज्यादती की है, वो मुझसे खुश नहीं है। वहम है तुम्हारा पीरबख्श? पीरबख्श ने सुना ही नहीं अपनी कहता रहा। देखो ना, बेटों के नाम कैसे रखे, मुदस्सिर, मुबशिर, मुजम्मिल, तुम्हारी तरबियत का असर है। मास्टर जी बोले, हरूफ मीम से तो इश्क है से, पर नाम तो मुख्तलिफ रखे ना इसने, मुझे भी अच्छे लगे। अब सोचता हूँ कि मैंने कैसा नाम रखा था इसका, कभी इसे शर्मिंदगी भी हुई होगी अपने नाम पर। कैसी बातें करते हो, मास्टर जी ने एहतजाज किया। पीरबख्श अपनी कहता रहा, जिसे अपने नाम से खुशी नहीं शर्मिंदगी हो, बेटों के नाम अपने नाम से अलग ही रखेगा ना। इलाही बख्श ने कभी बात नहीं कही, कहने वाला कब है फिर वो? और बच्चों को अंग्रेज़ी कपड़े पहनाता रहा, इसने उन्हें अंग्रेज़ी स्कूल में भी दाखिल कराया। क्यों? इसलिए कि हर बाप अपने बच्चे को आगे देखना चाहता है।
कोई बाप अपनी औलाद में कोई कमी नहीं देखना चाहता। पीर बख्श ने दूसरा जाविया पेश किया। तुम कहना क्या चाहते हो पीर बख्श, क्या समझ रहे हो? पीर बख्श चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने नज़रें उठाईं तो उनमें उदासी थी। मुझे लगता है कि नाम की, कपड़ों की, तालीम की कमी से इसकी कोई बहुत प्यारी चीज़ उससे छिन गई। पर अच्छा बेटा है, कभी शिकायत भी नहीं की इसने। मास्टर जी पीर बख्श की दानिश से पहले ही खायल थे और खायल हो गए, मगर उन्होंने उसकी सोच की हौसला अफजाई नहीं की। वो बोले, कहाँ की सोच रहे हो पीर बख्श? बस मास्टर जी, मेरा दिल बताता है। लेकिन मुबशर के सिवा किसी ने पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ली। मुबशर बिल्कुल इलाही बख्श की तरह है, बख्शू उससे मोहब्बत भी बहुत करता है, मुबशर में जान है इसकी। तो गांव में क्या मुबशर जैसे तो शहर में ही दो चार होंगे, मास्टर जी के लहजे में फ़ख्र था। वो मुझे बहुत प्यारा है। मुबशर बिलाशुबा लाखों में एक था, नेक, सादतमंद, अतातशुआर और फिर था भी बड़ा खूबरू। कॉलेज में सादात घराने की एक बड़ी प्यारी लड़की थी राबिया। राबिया ने उसे पहली ही नज़र में पसंद किया। आहिस्ता आहिस्ता पसंदीदगी मोहब्बत में तब्दील होती गई, लेकिन मुबशर ने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा, देख भी नहीं सकता था। उसके लिए तो वो बहुत मोहतरम, बहुत बुलंद थी, वो बीबी थी। बाप और दादा ने उसे यही सिखाया था, वो तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। उस रोज़ वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा मुताला कर रहा था, राबिया आई, उसके पास खड़ी हुई और टिकटिकी बांधकर उसे देखने लगी। वो किताब में महव था, उसे पता ही नहीं चला। मुबशर सुनो, राबिया ने उसे पुकारा। मुबशर ने सर उठाकर उसे देखा। जी राबिया बीबी, मुझे इस्लामिक स्टडीज़ के नोट्स की ज़रूरत है। वो उसे तके जा रही थी। मुबशर परेशान हो गया। दे दो ना, राबिया ने उसे तकते हुए कहा, कल वापस कर दूंगी। मुबशर ने नोट्स निकाल कर उसे दे दिए। आफियत इसी में थी कि राबिया लाइब्रेरी से चली जाए। मुबशर फिर किताब पर झुक गया, लेकिन अब उससे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। राबिया मुबशर के नोट सामने रखे बैठी थी। बज़ाहिर वो पढ़ रही थी, लेकिन उसकी खोई खोई आंखें अगर कोई देख लेता तो समझ लेता कि वो इस वक्त कहीं और है। हकीकत ये थी कि उसकी आंखों के सामने इस वक्त मुबशर का चेहरा था। वो अस खुद गिरफ्तगी के आलम में थी, लेकिन मुबशर बेहद शर्मीला लड़का था। उसने कभी उसकी निगाहों की हौसला अफजाई नहीं की थी। राबिया खुद भी बहुत शर्मीली लड़की थी, लेकिन अंदर की धीमी धीमी आग अब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। अब वो खौफजदा थी कि इजहार ना किया तो वो इस आग में जलकर भस्म हो जाएगी। मोहब्बत कितनी ताकतवर चीज़ है, आदमी को बदल कर रख देती है, उसने पैड पर अपने सामने रखते हुए सोचा। फिर वो लिखने लगी। उसने मुश्किल से दो सतरें लिखी होंगी कि अम्मा के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। राबिया राबिया बीबी, ज़रा इधर आओ। अभी आई अम्मी, राबिया ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया। फिर वो कमरे से चली गई। पैड का खुला वर्क मेज़ पर रखा था और उस पर कलम धरा था। यही वो वक्त था कि सलीम शाह बहन को पुकारता हुआ कमरे में चला आया। राबिया राबिया बीबी, कहाँ चली गई? इसने उधर उधर देखा, फिर मेज़ के पास चला आया। पहले उसकी नज़र मुबशर के नोट्स पर पड़ी और मुबशर का नाम लिखा था। फिर उसने राइटिंग पैड को देखा। डियर मुबशर, तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। इससे ज़्यादा सलीम शाह से पढ़ा नहीं गया। गुस्से से उसका चेहरा तमतमाने लगा। तो ये खेल खेल रही है नादान बहन, और वो कमज़ात। उसने पैड से वो सफ़ा नोचा और मुट्ठी में बींच लिया। फिर वो कमरे से यूं निकला जैसे मुबशर के वजूद को रोंद कर गुजर रहा हो। 5 मिनट बाद कमरे में आई राबिया, तो उसने देखा कि पैड का वर्क गायब है जिस पर वो मुबशर को ख़त लिख रही थी। चंद मिनट में ही उसने सफ़े को इधर उधर तलाश किया, फिर बेपरवाही से अपनी जगह आ बैठी। उसने दोबारा लिखना शुरू कर दिया। डियर मुबशर,
मुबशिर कॉलेज में दाखिल हुआ ही था कि राबिया ने उसे आवाज़ दी। वो उसकी तरफ चला गया। राबिया ने उसके नोट्स उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो मुबशिर, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। राबिया की नज़रें झुक गईं। उसने नज़रें झुकाए झुकाए कहा, एहतियात से रखना, इसमें कुछ रखा है तुम्हारे लिए। ये सुनकर मुबशिर का चेहरा फक हो गया। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। जिस वक्त से वो डर रहा था वो सर पर आ चुका था। पहले पीरियड के बाद मुबशिर ने चोरों की तरह नोट्स को टटोला। उसमें राबिया का ख़त रखा था। उसने ख़त पढ़ा और उसके बारीक बारीक पुर्जे कर डाले। उस रोज़ क्लास में उसका दिल ही नहीं लग रहा था। क्या पढ़ाया जा रहा था इसे कुछ खबर नहीं थी। छुट्टी के बाद वो बाहर जा रहा था कि लॉन में बैठी हुई राबिया ने उसे पुकारा। पहले तो उसने सोचा कि उसको नज़रअंदाज करके निकल जाए, मगर उसने हिम्मत कर ही ली। सामना करना मुंह छिपाने की निस्बत बेहतर नतायज लाता। उसे राबिया को समझाना होगा। वो राबिया के पास जा बैठा। जी बीबी, तुमने मेरा ख़त पढ़ा? राबिया ने पूछा। जी पढ़ा और फाड़ कर फेंक दिया। क्यों बीबी, आप नादानी कर रही हैं, ये तबाही का रास्ता है। मगर मैं क्या करूं? राबिया ने बेबसी से कहा। मेरे इख्तियार में तो कुछ नहीं है। ऐसी बातें ना करें, अल्लाह ने आदमी को अपना नायब बनाया है। इंसान सिर्फ अल्लाह के सामने बेबस है, तो ये भी उसी की मर्ज़ी होगी, वरना मैं बेबस क्यों होती? मैं नहीं मानता। वो इनकार कर रहा था। राबिया की तब्दीली और आगे बढ़ गई। शर्म व हया कहीं और रह गई। मैंने तुमसे मोहब्बत की है मुबशिर, और ये गुनाह नहीं, कमाल है। हमारी सोचों में कितना फ़र्क है। मुबशिर का लहजा तंजिया हो गया। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी नज़रों में गुनाहगार हो गया। आप बात समझ ही नहीं रही हैं। मैं खाक हूँ और आप आसमान। आप बीबी हैं बीबी, पढ़े लिखे होकर कैसी बैकवर्ड बातें करते हो? राबिया ने मलामत आमेज़ लहजे में कहा। मैं राबिया हूँ और तुम मुबशिर, हमारे दरमियान कहीं कोई और तफरीक नहीं, और इज़्ज़त तो अल्लाह की दी हुई है, उस पर गुरूर करना नाज़ेबा है। मेरी और आपकी सोच में बहुत फ़र्क है बीबी। राबिया का दिल भर आया, वो गिड़गिड़ाने लगी। मुबशिर, मैं बहुत मजबूर हूँ, तुम नहीं समझ सकते। मेरे अंदर कोई ताकत है जिसने मुझे बेख्तियार कर दिया है, तो आपको उससे लड़ना चाहिए। मुबशिर ने मुतासिर हुए बग़ैर कहा। इंसान का तो काम ही वह बुराई से लड़ना, मगर ये बुराई नहीं है, ज़िंदगी की खूबसूरती है। मोहब्बत गुनाह नहीं है, इबादत है, राबिया ने तुंद लहजे में कहा। देखें बीबी, मैं एक बात वाजे कर दूं, मुबशिर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे दिल में ऐसी कोई बात कभी आ ही नहीं सकती। मेरे और अब्बा और दादा ने सादात का एहतराम करना सिखाया है मुझे, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। आप मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं। हैरत है, तालीम याफ्ता होने के बावजूद। मुबशिर ने उसकी बात काट दी। तालीम व तरबियत पानी फेर दे तो वो तालीम नहीं रहती बीबी। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुबशिर को अफसोस हो रहा था कि उसे इतनी नाजुक और प्यारी लड़की से सख्त गुफ्तगू करनी पड़ रही है, और वो सादात है, लिहाजा ये गुनाह है। लेकिन वो जानता था कि ये सख्ती ही मुस्तकिल अजाब से निजात दिला सकती है। कभी बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह करना पड़ता है। उसने नहायत ही बेरुखी से कहा, मुझे अफसोस है बीबी, मैं कभी अंदाज में सोच ही नहीं सकता। आपको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए, वरना मायूसी होगी। ये कहकर वो उठा और गेट की तरफ चल दिया। राबिया उसे जाते हुए देखती रही। उसने अपने दिल को टटोला। वहाँ इस ज़िद्दी की तस्वीर अब भी वैसे ही मौजूद थी। उस रोज़ पीर बश भी दुकान पर आया हुआ था। वो इलाही बश के पास बैठा था। इलाही बश की नज़र सलीम शाह पर पड़ी, जो दुकान घी की तरफ आ रहा था। इलाही बस तेज़ी से उठा, उसकी पेशवाई के लिए दुकान से निकला। अस्सलामु अलैकुम शाहजी, उसने सलीम शाह का हाथ चूमा। पीर बख्श भी उठकर खड़ा हुआ। आओ शाहजी बैठो। मैं बैठने नहीं आया हूँ पीरू चाचा, सलीम शाह ने बेरुखी से कहा। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि फिर शिकायत ना करना। हुआ क्या है शाहजी, कुछ कहो तो, पीर बख्श ने तहम्मुल से कहा।
मुबशिर को समझा लो चाचा, इज्जत के लिए हम जान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। सलीम शाह ने बेहद ख़राब लहजे में कहा, मेरी समझ में अब भी नहीं आया कि बात क्या है। इतनी उम्र हो गई पीरू चाचा और कहते हो कि समझ नहीं आई, नहीं जानते कि ऐसी बातें इससे ज़्यादा बताई नहीं जा सकती। आप पीर बस समझ गया, देखो शाहजी तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, नस्लें गुजर गई हमारे यहाँ, ना आज तक ऐसी कोई बात हुई है और ना ही आइंदा कभी होगी। उसके लहजे में बला का एतमाद था, पहले नहीं हुई होगी पर अब हो रही है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा चाचा। सलीम शाह बिफर गया, मैं नहीं मानता कि मुबशिर ऐसा कर सकता है। देखो शाहजी, ख़राबी अंदर हो तो उसे बाहर ठीक नहीं करते, इस तरह ख़राबी ख़त्म नहीं होती। इलाही बस हैरान रह गया, ये बब्बा कैसी बात कर रहा है। उसका दिल कांप गया, उसने जल्दी से मुदाखलत की, कैसी बात करते हो अब्बा? मुझे पूरा भरोसा है मुबशिर पर, पीर बस ने झंझला कर कहा। इलाही बस गिड़गिड़ाने लगा, ऐसी बात ना करो अब्बा। पीर बस के लहजे में आजिज़ी और नरमी आ गई, क्यों ना करूं पुत्र, अपनी औलाद का पता है मुझे। फिर सलीम शाह की तरफ मुड़ा और बड़ी लिजाजत से बोला, आप अपनी तरफ की संभालो शाहजी, हमारी तरफ से आपको शिकायत नहीं होगी। मुझे जो समझाना था समझा दिया चाचा, आगे तुम जिम्मेदार होगे, सलीम शाह ने सर्द लहजे में कहा। आप फिक्र ना करो सलीम शाह, इलाही बट ने सलीम शाह का हाथ थामकर बड़ी मोहब्बत से कहा, मैं मुबशिर से बात करूंगा। पीर बख्श को उसकी बात अच्छी नहीं लगी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सलीम शाह चला गया, दोनों अपनी अपनी सोचों में अकेले हो गए। इलाही बख्श को बाप पर हैरत हो रही थी, ये उसका रद्द अमल तो नहीं लग रहा था। फिर उसकी समझ में बात आ गई, दादा बाप से बड़ा होता है, बाप की हैसियत से सारी सख्ती ख़त्म कर देता है, दादा बनकर उसके पास मोहब्बत ही मोहब्बत रह जाती है। और यही उस रोज़ खाने के बाद सहन में इलाही बख्श के सामने मुबशिर मुजरमों की तरह खड़ा था। पीर बख्श बैठा हुक्का कड़कड़ा रहा था, अब्बा तुम्हारी कसम मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल कभी नहीं आया जिससे शर्मिंदगी हो मुझे या तुम्हें, मुबशिर ने कहा। पीर बख्श इलाही बख्श पर उलट पड़ा, तू खामोखा इसके पीछे ना पड़ पुत्र, मैंने कहा था ना, वो तो ठीक है अब्बा पर ये मामला संगीन है, तुम तो जानते हो बात कहीं की कहीं पहुंच सकती है। इलाही बख्श बोला, तो बीबी को खायल कर सकता है तो कर, पीर बख्श ने कहा। देख पुत्र, अपना घर अपने बच्चे शाजी लोगों को ही संभालने हैं तो और क्या कर सकते हैं ना अब्बा, उनकी जिम्मेदारी भी हमारी है, ये तो हमारी आखिरत का सवाल है, हमें ही कुछ करना होगा। कैसी बात करता है पुत्र, जवान बेटे को चूड़ियां पहनाकर घर में बिठाएगा क्या? इलाही बख्श की निगाहों में खफीफ सी मलामत झलकी, मुझे खूब सिखाया अब्बा और खुद एहतराम भूल गए। ओ नहीं पुत्र, भूल सकता हूँ क्या, पर दोष अपना ना हो तो भी सर झुकाना चाहिए, इलाही बख्श ने जल्दी से कहा। फिर वो मुबशिर की तरफ मुड़ा, तूने क्या सोचा है पुत्र? मुझे क्या सोचना है अब्बा, जो बात थी बता दी, अब तुम हुक्म करो अब्बा। इलाही बस चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने सर उठाते हुए कहा, तू कॉलेज जाना छोड़ दे पुत्र। पीर बस बुरी तरह भड़का, मुबशिर की तालीम इलाही बस की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और वो उससे दस्तबरदार हो रहा था। ताहम कोई रद्द अमल जाहिर करते के बजाय उसने पोते की तरफ देखा। मुबशिर ने एक लम्हे झिझके बगैर कहा, ठीक है अब्बा, जो हुक्म तुम्हारा, खफा तो नहीं है मुझसे? इलाही बख्श के लहजे में अफसुर्दगी थी, कैसी बात करते हो अब्बा, मुबशिर ने बुरा माने बगैर कहा। मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, हर बात मानी है तुम्हारी, तुमने जो पहनाया पहन लिया, तुम्हारी खातिर ही तालीम पर तवज्जो दी, तुम्हारी मर्जी मेरे लिए हुक्म है अब्बा। इलाही बख्श ने सर उठाकर आसमान को देखा, अल्लाह जी किस मुँह से तेरा शुक्र अदा करूँ कि कैसी सआदतमंद औलाद दी है तूने। अब्बा एक बात कहूँ? कहो पुत्र, कॉलेज के दिन थोड़े हैं, नहीं जाऊंगा तो कोई हर्ज नहीं, पर अब्बा मेरा बीए के इम्तहान का आखिरी साल है, इम्तहान तो दे सकता हूँ ना? हाँ बेटे, मैं तो बस कॉलेज जाने से रोक रहा हूँ, तेरा बीए करना तो मेरी भी बहुत बड़ी खुशी है। शुक्रिया अब्बा,
मुबशर कमरे में चला गया। पीर बख्श इलाही बख्श को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। तो उससे भी अच्छा बन गया पुत्र, जैसा कि मैं बनाना चाहता था। उसके लहजे में फ़ख्र था। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, इलाही बख्श ने आजिज़ी से कहा। लेकिन जिस बात को होना होता है वो किसी तरह नहीं रुकती। उस रोज़ मुबशिर मंडियाँ से घर आ रहा था। वो घर से चंद कदम दूर था कि अचानक खेत की तरफ से राबिया निकलकर उसके सामने आ गई। तुमने कॉलेज आना क्यों छोड़ दिया मुबशिर, उसने पूछा। मुबशिर ने हैरत और घबराहट से उसे देखा। बीबी आप यहाँ, तुम कॉलेज नहीं आओगे तो मैं तुमसे मिलने यहाँ आ जाऊँगी, राबिया ने कहा और फिर मुस्कुरा कर पूछा। कॉलेज आना क्यों छोड़ दिया तुमने, आपकी मेहरबानी से, मुबशिर ने तल्ख लहजे में कहा। सलीम शाहजी ने अब्बा से शिकायत की थी, धमकी भी दी थी, मगर मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझ पर रहम करो बीबी, जो तुम चाहती हो वो मैं सोच भी नहीं सकता, मुबशिर गिड़गिड़ाने लगा। ऐसी बातें मत करो, तुम मर्द हो, राबिया ने सख्त लहजे में कहा। ये कैसी मोहब्बत है बीबी, मुबशिर के लहजे में फरियाद थी। आप ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे माँ बाप और दादा को भी जलील कराएंगी, मैं कभी अब्बा से नज़र नहीं मिला सकूँगा। मैं क्या करूँ मुबशिर, बहुत मजबूर हूँ मैं, खुदा के लिए मुझे भूल जाइए, ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए। कैसे मर्द हो, औरत के सामने गिड़गिड़ाते हो। इसी लम्हे उन्हें खेतों के दरमियान से सलीम नमोदार हो गया। मैंने पहले ही खबरदार किया था मुबशिर, अब मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने ललकारा। उस ललकार की गूंज घर के सहन में खड़े पीर बख्श ने भी सुनी। सोचने का वक्त नहीं था, वो तेज़ी से कमरे की तरफ लपका। उसने संदूक से पिस्तौल निकाला और दरवाजे की तरफ झपटा। बाहर सलीम शाह ने रिवॉल्वर निकाल लिया था। राबिया के सामने गिड़गिड़ाने वाला मुबशिर उसके सामने तन खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बेखौफी थी। मैं खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता सलीम शाह, उसने मुस्तहकम लहजे में कहा। मैं तुमसे निमट सकता हूँ, लेकिन अब्बा और दादा को दुख नहीं देना चाहता, सलीम शाह ने रिवॉल्वर लहराया। मैंने सबको बता दिया था मुबशिर, राबिया लपक कर मुबशिर के सामने खड़ी हुई। बेइंसाफी ना करो भाई, इसका कसूर नहीं है, राबिया बीबी तू हट जा सामने से, सलीम शाह ने गरज कर कहा। भाई कसूरवार मैं हूँ, मैं इससे मिलने आई हूँ, तो पहले तू ही जा, सलीम शाह ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन छोड़ूंगा इससे भी नहीं, सलीम शाह का रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे आ रहा था, लुबलुबी पर उंगली का दबाव बढ़ रहा था। उसी लम्हे पीर बख्श पिस्तौल हाथ में लिए घर से निकला। वो उनकी तरफ झपटा, लेकिन उसके उन तक पहुंचने से पहले गोली चली और राबिया दोनों हाथों से अपना पेट थामे गिरती चली गई। सलीम शाह की उंगली दोबारा ट्रैगर पर थी, ऐन उसी वक्त पीर बख्श तोते के सामने आ गया। पीर बख्श का खून देखकर सलीम शाह के औसान खता हो गए, वो अंधाधुंध एक तरफ भाग खड़ा हुआ। इलाही बद देर से दरवाजे पर खड़ा था, उसके हाथ में कागज़ था और जेब फूली हुई थी। ज़रा देर बाद मौका मिला तो उसने चोरों की तरह इधर उधर देखा और दरवाज़ा खोलकर इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल हो गया। पीर बख्श का चेहरा देखकर उसका दिल कटने लगा, उसकी आंखें बंद थीं और वो बहुत तकलीफ़ में था, उसके होंठ लहूलुहान हो रहे थे। शायद तकलीफ़ बर्दाश्त करने की कोशिश में वो उन्हें दांतों से काटता रहा था। इलाही बख्श का जी नहीं चाह रहा था कि इस हाल में उसे छोड़े, मगर फ़र्ज बहुत बड़ा था। उसने बाप के मुंह से मुंह लगाकर पुकारा, अब्बा अब्बा, और पीर बख्श ने आंखें खोल दीं। अब्बा, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं अब्बा, पीर बख्श ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। वो कर पुत्र जो करना चाहिए, कागज़ पर अंगूठा लगवाना है अब्बा, पीर बख्श से बोला नहीं जा रहा था, उसने आँखों से इशारा किया। इलाही बख्श ने जेब से इंक पैड निकाल कर खोला और बाप का हाथ थाम कर उसका अंगूठा पैड पर जमा कर रखा। फिर उसने बाप का अंगूठा कागज़ पर लगा दिया। रोशनाई तो पक्की है ना, तुम फिक्र ना करो अब्बा, मुझसे कोई चूक नहीं होगी,
रब्बा मेरी शर्म रख ले। पीर बख्श ने तड़प कर कहा, मुझे जख्म से ना मारना। इतना बोलने से ही उसकी हालत एकदम बिगड़ गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर इलाही बख्श ने जल्दी से कागज़ और इंक पैड जेब में रख दिया। आने वाला डॉक्टर था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसने इलाही बख्श से पूछा। डॉक्टर जी, अब्बा का हाल अच्छा नहीं। डॉक्टर ने पीर बख्श को देखा और घबरा गया। उसने नर्स को पुकारा। चंद मिनट में हंगामी हालात हो गए। बेशक अल्लाह ही दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। डॉक्टर ने इलाही बख्श के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे अफसोस है। हुआ क्या डॉक्टर जी? दिल का दौरा पड़ा और वो ख़त्म हो गए। इलाही बख्श बुत बनकर रह गया। सदमे ने जैसे उसकी जान निकाल दी थी, मगर फौरन ही उसे फ़र्ज याद आया। अब्बा ने कहा था कि वो कर पुत्र जो करना चाहिए। उसने बड़ी तेज़ी से खुद को संभाला। गम करने को बहुत वक्त पड़ा था, पहले मामलात निपटाने थे। उसने डॉक्टर से पूछा, आप सनद में क्या लिखेंगे डॉक्टर जी? यही कि मौत हार्ट अटैक के नतीजे में हुई है। तो मुझे सनद बना कर दे दें डॉक्टर। बन जाएगी, ऐसी जल्दी भी क्या है। आंसू अब इलाही बख्श की आंखों से बरस रहे थे। जल्दी है डॉक्टर जी, मुझे अब्बा को खबर में उतारने से पहले तमाम हालात साफ करने हैं, वरना अब्बा की रूह खफा होगी। खुदा के लिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर की वहशत को देखकर घबरा गया। ये काम वक्त लगते हैं, मगर खैर पोस्टमार्टम हो जाए तो बना दूंगा। इलाही बख्श रोता हुआ एक तरफ चला गया। बाहर जाकर उसने बेटों को इत्तला दी। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने नर्स से कहा, अजीब बेटा है, बाप के मरने का दुख नहीं सनत की फिक्र है। यकीनन बड़ी जायदाद होगी मरने वाले की। इधर इलाही बख्श अब फूट फूट कर रो रहा था। अब समझ में आया अब्बा, सब समझ में आ गया। मुझे अफसोस है अब्बा, नियत किस्मत खराब करती है, इसीलिए मैं कुर्बान नहीं हो सका। पीर बख्श का खून देखकर सलीम शाह के औसान खता हो गए। वह अंधाधुंध एक तरफ भाग खड़ा हुआ। पीर बख्श जख्मी हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। इलाही बख्श ने उसके कान के करीब मुंह ले जाते हुए कहा, ये क्या हो गया अब्बा? पीर बख्श की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। ये तो होना था पुत्र, इसके बगैर ये मामला नहीं निमटता। अब क्या करना है अब्बा? सलीम शाह शाहजी कहाँ है पुत्र? अपने घर पे है अब्बा। मैं शाहजी लोगों के पैरों में पड़ गया था कि वो हमारे घर में ही महफूज रहेगा। वो यकीन नहीं कर रहे थे। वो कहते कहते रुका, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो अब्बा, उसे हथकड़ी नहीं लगने दूंगा। एक काम कर दे पुत्र, मेरे पिस्तौल का घोड़ा चढ़ा देना। ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ अब्बा, सब समझ में आ गया था मेरी, इलाही बख्श ने कहा। बल्कि मैंने तो दो फायर भी कर दिए। पीर बख्श के होंठों पर कमज़ोर सी मुस्कुराहट उभरी। ओ तो कितना अच्छा पुत्र है इलाही बख्श, मुझे मालूम ही नहीं था। तुम्हारी दुआ और रब का करम है अब्बा। इलाही बख्श बाप पर झुक गया। एक बात और है अब्बा, उसने राजदाराना लहजे में कहा, हर तरफ से चौकस रहना चाहिए बंदे को। ये बताओ, खून तुम माफ़ करोगे या मुझे करना है? पीर बख्श ने आहिस्ता से कहा, जिसे सादत मिल जाए पुत्र। ज़रा से तवक्कुफ़ के बाद वो बोला, रब इज़्ज़त देने वाला है पुत्र, वो मुझे ज़ख़म से नहीं मरने देगा। मैं डॉक्टर से पूछता हूँ अब्बा। पीर बख्श ने महसूस किया कि इस लम्हे इसके और बेटे के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है। दोनों एक ही अंदाज में सोच रहे थे, दोनों को एक ही फिक्र थी। वो ये चाहते थे कि कत्ल ना रहे बल्कि कुदरती मौत हो। मौत से लड़ते हुए पीर बख्श का सीना फ़ख्र के एहसास से फूल गया, मगर फौरन ही इसका दिल सजदे में चला गया। सब तेरी देन है रब्बा, बंदे का अपना तो कुछ भी नहीं होता, ये सिला तो उसे ही देता है। इलाही बख्श डॉक्टर से पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब, अब्बा बच जाएंगे ना?
खून बहुत बह गया है, हालत खतरे से बाहर नहीं। डॉक्टर ने साफ गोई से काम लिया। इलाही बस चंद लम्हे सर झुकाए हुए सोचता रहा, फिर उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर साहब, अगर अब्बा इस जख्म की वजह से नहीं किसी और सबब से ख़त्म हो गए तो क्या होगा? डॉक्टर ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है फिर कत्ल का केस तो नहीं बनेगा? डॉक्टर साहब उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। उसे हैरत थी, बाप मौत से लड़ रहा है, बेटी की आंखों में आंसू हैं, मगर वो ये सोच रहा है कि ये कत्ल कहलाएगा या नहीं। उसने सर झटकते हुए कहा, कानून का तो मुझे इल्म नहीं, मगर मौत का सबब वो लिखा जाएगा जो होगा। इलाही बर्ष ने पुरख्याल लहजे में कहा, कुदरती मौत पर कत्ल का मुकदमा तो नहीं चल सकता। मसला क्या है? डॉक्टर ने पूछा। क्या गोली चलाने वाला तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं डॉक्टर साहब, इलाही बर्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। सलीम शाह कमरे में चारपाई पर सहमा बैठा था, उसके चेहरे पर परेशानी थी। इस साल में गोली चला देना और बात है, लेकिन कातिल की हैसियत से तो अपना सामना करना भी आसान नहीं होता। कानून का क्या करता, सारी दुनिया का सामना कैसे करता? दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो खाने की ट्रे हाथ में लिए मुबशर कमरे में आया। उसने ट्रे सलीम शाह के सामने रखते हुए कहा, रोटी खा लो शाहजी, मुझे भूख नहीं है। सलीम शाह के लहजे में बेबसी थी, फिर भी दो चार लुकमे ले लो, यूँ भूखे रहोगे तो कमज़ोर हो जाओगे। सलीम शाह ने हैरत से उसे देखा, तुम लोग किस दुनिया के इंसान हो? अब्बा और दादा का पता नहीं, पर मैं तो इसी दुनिया का हूँ। अरे तुम्हारा महबूब दादा मेरी वजह से मौत के ख़तरे से दोचार है, और तुमने ज़बरदस्ती मुझे पनाह दी है कि कहीं मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। तुम मेरी मेहमान नवाजी कर रहे हो, खाने के लिए इसरार कर रहे हो कि कहीं कमज़ोर ना हो जाऊं। मैं तो मुजरिम हूं, तुम्हारा भी और कानून का भी। तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पर? आखिर में उसके लहजे में मलामत आ गई। उसका जिस्म शिद्दत जज्बात से लरजने लगा। मैं तो पता नहीं क्या कर देता तुम्हारा, मुबशिर ने दांत पर दांत जमाते हुए कहा, पर अब्बा का हुक्म नहीं टाल सकता। अच्छा तुम कुछ खा लो। सलीम शाह ने बेदिली से एक लुकमा लिया। तुम्हारे दादा कैसे हैं? उनकी हालत अच्छी नहीं, मुझे अफसोस है, गुस्से ने अंधा कर दिया था मुझे। अब जो मुझे शर्मिंदगी है वो मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत लफ्ज़ हैं शाहजी, मुबशिर ने सादगी से कहा। राबिया कहाँ है? सलीम शाह ने अचानक पूछा। किसी रिश्तेदार के घर, इसे कोई ख़तरा नहीं, गोली पेट में नहीं लगी थी, कलाई को छू कर गुजर गई। पुलिस को तो किसी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, खामखा की बदनामी होती। सलीम शाह चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर बोला, तो तुम्हें राबिया से कोई दिलचस्पी नहीं? मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी और अब भी बता रहा हूँ, मुबशिर ने बेहद तहम्मुल से कहा। और मैंने तो बीबी को भी समझाने की कोशिश की थी, पर उसने तुम्हें इख्तियार नहीं तो मैं बेचारा क्या कर सकता था। सलीम शाह शर्मिंदा नज़र आने लगा। मुझे वाकई अफसोस है। छोड़ो इस बात को, मुबशिर ने कहा, अब्बा ने कहलवाया है कि वक्त आने पर तुम्हें ये कहना होगा कि दादा ने तुम पर फायर किया था, तुम्हें अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी। सलीम शाह चंद लम्हे उसे अजीब सी नज़रों से देखता रहा, फिर उसने दोनों हाथों से मुंह छुपाया और फूट फूट कर रोने लगा।